27 जुलाई यानी कि कल नीति आयोग की बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब आपको बता दें कि इस बार सीएम योगी दिल्ली में काफी वक्त तक मौजूद रहेंगे और इस दौरान सीएम योगी दिल्ली में कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही कल दिल्ली में बीजेपी की भी एक बड़ी बैठक है जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे, जिसमें तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। और नीति आयोग की बैठक के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग होगी और उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पहले से ही मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी बीच यूपी की सियासत में एक बार फिर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वार शुरू हो चुकी है। एक ओर वार किया गया तो दूसरी ओर पलटवार भी हुआ। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की सियासी जंग फिर से सुर्खियां बन गई हैं। क्या है ये सियासी जंग, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक ओर से वार हो रहा है तो दूसरी ओर से पलटवार। ये सियासी जंग एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच हो रही है। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बताया है। अखिलेश ने कहा कि वो दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड है। वो मोहरा है दिल्ली के वाईफाई के, वो पासवर्ड है। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्या जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। मोहरे की बात सुनते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने और अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दे। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस को भी हाथ धोने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने चुटकी ली तो बीजेपी ने भी उसका जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलना सपना, बड़े अंतर से चुनाव हराकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर बनाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की कार्रवाई से ज्यादा जनता कार्रवाई करने का मन बना चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदल दिया। फिलहाल अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी वार पलटवार कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच ट्विटर वार हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था कि दिन पर दिन बीजेपी कमजोर हो रही है, बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर है, बीजेपी में एक दूसरे को कमरत दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है, बीजेपी में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है, इंजन ही नहीं अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का खुद केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने लिखा था कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। वैसे तो इस सियासी लड़ाई में मोहरे की बात नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच सियासी नोकझोंक पुराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर यूपी की कानून व्यवस्था पर भी अखिलेश यादव ने निशाना साध दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहाल है।
लेकिन कानून व्यवस्था पर योगी सरकार और अखिलेश यादव के कार्यकाल के आंकड़े कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को और परसेप्शन को बदलने के लिए। माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा ही बड़ा मुद्दा रहा है, सरकार किसी की भी रही हो, विपक्ष हमेशा इसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान इसी सियासत का हिस्सा है। दरअसल अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहाल है, भ्रष्टाचार चरम पर है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को और परसेप्शन को बदलने के लिए। उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि अपने उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। लेकिन साल 2017 के बाद से परिस्थितियों में कुछ बदलाव जरूर आया है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार में हुए एक्शन में अब तक 200 से ज्यादा अपराधी ढेर हुए हैं और 6000 से ज्यादा एनकाउंटर में घायल। वहीं माफियाओं के खिलाफ एक्शन में 124 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है, जिसकी जद में प्रदेश के टॉप 50 माफिया रखे हैं। वहीं ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत करीब 25,000 अपराधियों को सजा दिलाने का काम हुआ है और अपराध पर लगाम लगाने के लिए 4 लाख से ज्यादा जगहों पर 10.5 लाख से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहीं जब अखिलेश यादव यूपी विधानसभा का हिस्सा हुआ करते थे तब भी कानून व्यवस्था के सवाल पर सीएम योगी ने जमकर हमला बोला था। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब एक नजर अखिलेश यादव के कार्यकाल में अपराध के आंकड़ों पर अगर गौर डालें तो उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की हालत कैसी थी। इस दौरान IPC की धाराओं के तहत हर साल करीब 2,37,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं हिंसक वारदातों के हर साल 44,039 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह अपहरण के 12,064 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। वहीं चोरी के मामले दर्ज करने का औसत हर साल 42,057 का था। इस दौरान रेप के करीब 3,264 मामले हर साल दर्ज किए गए। यही नहीं, अखिलेश सरकार में दंगों के हर साल करीब 6,607 मामले दर्ज किए गए। बात बिल्कुल स्पष्ट है, मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के कई राज्यों से बहुत बेहतर है और अब तो अदालतें भी कानून व्यवस्था को लेकर यूपी का उदाहरण देने लग गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेशी हुई, जहां राहुल गांधी ने अपने बयान दर्ज करवाए। दरअसल साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था, जिसके खिलाफ उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था।
और ये मामला है क्या और उस वक्त क्या हुआ था, आज अदालत में क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इसी पेशी के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान दर्ज कराए और अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया, साथ ही कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवार तत्व में कहे गए कथन जो है झूठे और निराधार है और मेरे ऊपर जो है मेरी छवि को और मेरी पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से ये मुकदमा दायर किया गया है और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये सरासर झूठे आरोप हैं। दरअसल ये मामला साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के समय का है, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद सुल्तानपुर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। फिलहाल तो राहुल गांधी ने कोर्ट के सवालों का जवाब दिया, लेकिन अब अगली सुनवाई पर सबूत भी पेश करना होगा। उन्होंने अपने को निर्दोष बताया और ये कहा कि हमारे ऊपर जो भी मुकदमा हुआ है ये पॉलिटिकल रंजिश के कारण हुआ है, तो माननीय न्यायालय ने हमसे एविडेंस के लिए पूछा, हमने कहा हमको एविडेंस देना है, तो 12 अगस्त की तारीख एविडेंस में लगाया है, 12 अगस्त को गवाही होगी। वहीं सुल्तानपुर में पेशी के बाद लखनऊ जाते समय राहुल गांधी विधायक नगर चौराहे पर एक मोची की दुकान पर भी रुके, जहां खुद जूते चप्पलों को ठीक करने के बाद मोची से बात कर उसकी आमदनी के बारे में जानकारी ली, उनकी समस्याओं को सदन में उठाने की बात भी कही। बहुत अच्छा लगा उसने हमारे मतलब ये मोची बिरादरी को रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, यहाँ पर आकर हमारे मान सम्मान किया। बट यही पूछ रहे थे कि इस काम को आप क्यों नहीं करते हैं, हमने पहले ये काम कर रहे थे तो लोग बहुत गलत निकल से देते थे, हमको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो हमने ये छोड़ दिया। फिर मेहनत मजदूरी करते हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये अपना काम चालू किए हैं, ये काम करते हैं, आपने बताया कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता जी। राहुल गांधी का ये दौरा भले ही कोर्ट कचहरी का रहा हो, लेकिन यूपी से दिल्ली जाते समय उन्होंने सियासी हाथ भी आजमा लिए और 5 मिनट की इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और करगिल शौर्य दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष लगातार भ्रम का माहौल बना रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए सेना के लिए कुछ नहीं किया और आज अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी पीएम मोदी के वार पर पलटवार किया। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। करगिल से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि करगिल में असत्य और आतंक की हार हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि पेंशन खत्म करने के लिए हमारी सरकार अग्निपथ योजना लाई, जबकि सच ये है कि जो आज जवान भर्ती होगा उसके 30 साल बाद पेंशन दी जाएगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी क्या? मोदी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है
जो आज गाली खाएगा। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर विवादित बयान दिया है। ये जानते हैं कि चार साल बाद अगर जो लड़कों को हमने ट्रेनिंग किया, हाथ में हथियार दिए, जो हमारा ट्रेनिंग बेसिस कहाँ है सबकी जानकारी हो जाती है, चार साल बाद उनको वेला छोड़ दिए, उनके घर में माँ बीमार है तो उनको तनख्वाह नहीं है, इलाज करवाने बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह नहीं है, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे, कभी सोचे? समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्या ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरा। अग्निवीर योजना लाकर जो उन्होंने युवाओं को छला है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी विडंबना एक प्रधानमंत्री ये समझ सकते हैं कि चार साल की नौकरी जो दे रहे हैं वो नौकरी क्या उनके पूरे जीवन पर्यंत क्या उसका साधन रहेगी जीविका का। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अग्निवीर योजना को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और किसान का बेटा जवान जो भारत माता के लिए अपना प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार है उसको 21 साल में रिटायर हो जाना चाहिए जी। ये किस प्रकार का तर्क है प्रधानमंत्री जी का? अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या हमारी सेना जिसने पाकिस्तान को बार बार हराया वो युवा नहीं थी? बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि अग्निवीर ऐसी योजना है जिसने देश की फौज को मजबूत करने का काम किया है। यही देखिए, यही सत्य, आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा, जहां पर आज बच्चे सेवा करने देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे इसराइल की फोर्स है हर बच्चा वहां पे, या चाइना की फोर्स है कि हर बच्चा देश आर्मी के लिए ट्रेंड रहता है, एक आर्म्स को चलाने की ताकत रखता है, और आर्म्स की कभी भी देश में कभी विपत्ति आए तो आर्म्स उठा सके। वहीं सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने बताया कि कैसे सेना को मजबूत करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। जेक्चर्स हैं, ये प्रोग्राम को फ्रेक्टिफाई करने दीजिए, लोगों को सर्विस में जाने दीजिए, जब वो रिटायर होंगे जैसे उनको चैलेंजेस मिलेंगे, कोई कहता है उसकी शादी नहीं होगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब मेरे दिमाग से पूछेंगे तो प्रीमेच्योर मनगढ़ंत बातें हैं। आपने अचार डाला है तो चार महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसी खाएंगे तो बोले कच्चा यार, स्वाद नहीं आ रहा है। करगिल दिवस के मौके पर अग्निवीर को लेकर जारी सियासत पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा वार किया। उनका कहना है कि ये देश का दुर्भाग्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। ये लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार अग्निवीर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर अग्निवीरों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार सेना में अपनी सेवा देकर लौटे अग्निवीरों को आरक्षण देगी। यूपी पुलिस पीएसी में आरक्षण दिया जाएगा, ये एक बड़ा फैसला लिया गया, एक बहुत बड़ी राहत। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे, उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा, और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। और एक तरफ देश में बढ़ती जनसंख्या समस्या खड़ी कर रखी है, दूसरी ओर धर्मगुरु खुले मंच से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। बाबा की सलाह में एक और बात है कि दो बच्चे आप रख लो, दो हमें दे दो। बाबा के इस बयान पर घमासान मच गया है। जाहिर सी बात है कई हिंदुवादी संगठनों को भी बाबा का ये बयान पसंद नहीं आ रहा है। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट।
देश में बढ़ती जनसंख्या कई बड़ी समस्याएं खड़ी कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रीय मंत्री से लेकर सामाजिक संगठन के लोग लगातार बयान देते रहते हैं। केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है और इन सबके बीच धर्मगुरु खुले मंच से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। एक एक आदमी के कितने पुत्र होते थे, भागवत में लिखा है 60,000, और अब एक ज्यादा से ज्यादा दो। परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है, इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं कम से कम एक परिवार में चार चार पुत्र होना चाहिए। ये है पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज, जिन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये प्रवचन दिया और हंगामा पूरे देश में। बाबा ने कहा कि अगर भारत को हिंदुस्तान बनाना है तो कम से कम चार चार बेटे होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दो बच्चे आप रख लो, दो हमें दे दो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान इंडोनेशिया बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत के कई राज्यों में हिंदू धर्म को लेकर आशंका जताई। आज से 25 साल पहले 2 करोड़ थे, फिर हुए 9 करोड़, और अब हो गए हैं 38 करोड़। वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान इंडोनेशिया ना बन जाए। आधा बंगाल, असम में 5 लाख जिनके पास कोई पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं है, और वहां हो रहे हैं 8-8, 10-10, और हमारी माताएं फिगर मेंटेन करने में लगी हैं।